हेलो फ्रेंड्स, आपका सत्यराज लॉस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वुमेंस राइट इन लिविंग रिलेशंस के बारे में जिक्र करेंगे, अर्थात वो महिलाएं जो लिव इन रिलेशन में रहती हैं उनके अधिकार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि लिव इन रिलेशन वो रिलेशन होता है जहाँ पर एक महिला और एक पुरुष जो दोनों ही वयस्क होते हैं और एक साथ रहने को सहमत होते हैं, लेकिन बिना साथी सुधार के, यानी कि द कप दैट इज द पार्टनर्स मेन एंड फीमेल लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट अंडरगोइंग मैरिज सेरेमोनियल्स। ऐसे रिलेशनशिप को पहले हमारे यहाँ मान्यता नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में हमारे उच्च न्यायालयों ने ऐसे रिश्तों को भी मान्यता प्रदान कर दी है, बशर्ते कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं कि दोनों पक्षकार यानी दोनों पार्टनर मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और साथ में दोनों ही अनमैरिड हों और फ्री कंसेंट से रह रहे हों, तो ऐसे संबंध को समाज में मान्यता दे दी जाएगी। दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगर कोई कपल साथ में रहते हैं, वो पहले शादीशुदा है, लेकिन राइट नाउ दे आर डिवोर्सी, उनका डिवोर्स हो चुका है, या तो उनका जो स्पाउस है उनका देहांत हो चुका है, तो ऐसे डिवोर्सी लोग भी अगर रजामंदी से रहना चाहें तो रह सकते हैं। ऐसे संबंध को भी लिव इन रिलेशन कहा जाता है, क्योंकि दे एग्री टू लिव टुगेदर विदाउट अंडरगोइंग मैट्रिमोनियल सेरेमनीज। अब हम आगे उन महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करेंगे जो ऐसे रिलेशनशिप में सहमति से रहती हैं। तो आपको बताते चले कि ऐसी महिलाओं को वो पूरा अधिकार प्राप्त है जो कि विवाहित महिला को मिलता है, अर्थात अगर ऐसी महिला को कोई परेशानी होती है तो वो हर जाने की डिमांड कर सकती है, और ऐसे हस्बैंड अगर पहले से शादीशुदा है और वो किसी और महिला के साथ लिव रिलेशन रहना चाह रहे हैं, तो जो दूसरी महिला है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने पति से एस मेंटेनेंस यानी हर्जाने के तौर पे अपना गुजारा भत्ता की मांग कर सकते हैं। ऐसे संबंध में अगर कोई उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं, एनी चाइल्ड बर्थ होता है ड्यू टू दिस वेडलॉक, तो ऐसे बच्चों का पूरा लीगल अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता की संपत्ति में वारिस बन सके, यानी कि ऐसे बच्चे जो लिव रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उन बच्चों को लिजिटिमेट यानी विधिक बच्चे कहे जाते हैं, और उनका अपने माता पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार होता है जैसे कि एक शादीशुदा कपिल के बच्चों के साथ होता है। और आपको बता दें कि जब तक रिलेशन चलता है तब तक उस महिला को राइट टू शेल्टर पाने का अधिकार, यानी कि जिस ग्रह में रह रही है उस ग्रह में रहने का अधिकार होता है जब तक ये संबंध चल रहा होता है। जैसे ही संबंध खत्म होता है ये महिला का अधिकार भी खत्म हो जाता है। गुजारे भत्ते के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत से बात करें तो आपको बताते चलें कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पार्टनर का देहांत हो जाता है तो दूसरे पार्टनर का पहले पार्टनर की संपत्ति पर कोई अधिकार इस रिलेशनशिप्स के माध्यम से नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर जीते जी किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के नाम कोई वसीयत कर दी, वसीयत के माध्यम से कोई संपत्ति दूसरे पार्टनर के हवाले कर दी, तो प्रथम व्यक्ति जिसने वसीयत लिखी उनके मृत्यु के बाद दूसरे पार्टनर का उस वसीयत पे उस वसीयत के माध्यम से उस संपत्ति पे उतना ही अधिकार होगा जैसे कि कोई और विदित व्यक्ति का होता है। अर्थात गुजारे भट्टे के लिए अगर किसी पुरुष ने अपने
महिला पार्टनर के लिए कोई ऐसा प्रावधान कर दिया है, ऐसा प्रोविजन कर दिया है बाय वे ऑफ विल या टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जिससे कि उनके मरने के बाद भी उस महिला को हर्जाना मिलता रहे, तो वो महिला अपने हस्बैंड के मृत्यु के बाद भी उसी तरह से हर्जाना प्राप्त करती रहेगी उस संपत्ति से जो वसीयत में जिक्र की गई है, जिस तरह से वो जीते जिए अपने पति से प्राप्त कर गई थी। यानी ये सारे के सारे अधिकार लिव इन रिलेशनशिप के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में ये उन महिलाओं को अधिकार प्राप्त कराया है जो लिव इन रिलेशंस में रहना चाहती हैं, स्वेच्छा से रहना चाहती हैं, तो उनके अधिकार को हम वंचित नहीं कर सकते। तो आप शॉर्ट में कहें तो ऐसे महिलाओं का अधिकार है राइट टू गेट मेंटेनेंस, राइट टू गेट शेल्टर, राइट टू गेट ऑल लिविंग अर्निंग्स इवन आफ्टर द स्पाउस डेथ ऑफ द अदर पार्टनर्स इफ द प्रोविजन हैज बीन मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। याद देखिएगा, वैसे जब तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया हो तो ये संबंध का अधिकार सिर्फ तभी तक रहता है जब तक ये संबंध चल रहा होता है। जैसे ही संबंध में किसी प्रकार का खटास आती है या कोई अड़चन आती है तो ये संबंध खत्म हो जाता है। हालांकि एक अधिकार और बता दें आपको कि ऐसे महिलाओं का एक अधिकार और है कि अगर वो लिव रिलेशन में रह रही हैं और उसके विपरीत पार्टनर के द्वारा उन पर कोई अत्याचार होता है, कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना की जाती है, तो ऐसी महिलाएं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत इस प्रताड़ना के खिलाफ सीधे कोर्ट में, न्यायालय में सीधे एक अपने आवेदन कर सकती हैं और अपने ऊपर अत्याचार होने से रोक सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट घरेलू हिंसा अधिनियम उन दोनों महिलाओं पर लागू होता है जो कि विवाहित हैं और जो अविवाहित हैं, या वो महिला जो लिव इन रिलेशंस में रह रही हैं उनके लिए भी अधिकार का प्रदान करता है कि उन पर कोई अत्याचार ना होने पाए और हर महिला समाज में पूरे सम्मान के साथ अपने गौरवपूर्ण जीवन को जीते हुए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर टुडे, कीप वॉचिंग दिस all kinds of videos and get your rights to be aware as soon as the new video has been launched. So keep watching on this. Thank you for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.